मुंबई की टॉप 16 अस्पतालों के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन। जसलोक हॉस्पिटल ने कस्तूरबा हॉस्पिटल को 43 रनों से हराकर फाइनल मैच जीता। मुंबई की भाग दौड़ भरी दुनिया में किसी को अपने सेहत के ऊपर ध्यान देने की फुर्सत नहीं मिल पाती है। ऐसे में जब लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है तो वह लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ते हैं, जहां पर डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम उनका यथासंभव उपचार करती है। लेकिन डॉक्टर्स अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, वह भी अपनी रोजाना की दिनचर्या में परेशान रहते हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रूट मोबाइल इंटर हॉस्पिटल क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का भव्य आयोजन सरस्वती स्पोर्ट्स मलाड वेस्ट में किया गया था। इसका फाइनल मैच जसलोक हॉस्पिटल VS कस्तूरबा हॉस्पिटल के बीच हुआ। टॉस जीतने के बाद जसलोक अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने बैटिंग को चुना था। 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन का स्कोर बनाया था। वहीं दूसरी तरफ कस्तूरबा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम उक्त स्कोर पीछा करते हुए 19.4 ओवर्स में कुल 153 रन 10 विकेट खो दिया। इस रोमांचक फाइनल मैच में के मुकाबले में जसलोक अस्पताल की टीम 43 रनों से विजयी घोषित हुई। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। अतिथि अनिल सोलंकी, मनोज तिवारी, हिंदू समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होकर उस क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल डॉक्टरों एवं अस्पतालों का हौसला अफजाई किया। रूट मोबाइल इंटर हॉस्पिटल क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 16 अस्पताल की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें ग्लोबल हॉस्पिटल, KDA हॉस्पिटल, KL रहेजा हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, नाहर हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, हीरानंदानी हॉस्पिटल, सेवन हिल हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल की टीम शामिल हुई थी। आपका आभारी हूँ कि आप चैनल के हिसाब से इधर आए। आपको मालूम पड़ा कि यहाँ रूट मोबाइल इंटर हॉस्पिटल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हमारे कंपनी ने, रूट मोबाइल ने किया, और इसमें पार्टिसिपेट 16 टीम ने लिया है, भाग लिया ये टूर्नामेंट में। अगर हम आपके मन में कॉन्सेप्ट कैसा है कि डॉक्टर भी ये मैच खेले, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता, हॉस्पिटल में बिजी रहते हैं। पहली बात कि ये जो कंपनी रूट मोबाइल कंपनी है, इनका बिजनेस अलग है और ये अस्पताल वाले का काम अलग है। लेकिन हमने कोविड से बहुत कुछ सीखा है, जिसमें हमको मालूम पड़ा कि ये लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, इनके भी टीम है, इसमें अच्छे प्लेयर है, इनको भी एक एक्सरसाइज के हिसाब से कुछ चाहिए, एक क्या बोल सकते हैं अपन, एक प्रोग्राम, या यानी इनको भी कुछ इंडिविजुअल खुद को ये करना चाहिए एक्सरसाइज के हिसाब से, तो हमने क्रिकेट का आयोजन किया। ये रूट मोबाइल इंटर हॉस्पिटल जो कितने सालों से क्रिकेट का आयोजन करती है? हम तो ये आयोजन इसका फर्स्ट ईयर है, रूट मोबाइल क्रिकेट इंटर हॉस्पिटल टूर्नामेंट का। ये टूर्नामेंट को स्पॉन्सरशिप किया हुआ है और हम सब हॉस्पिटल के स्टाफ उनके बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहते हैं, स्पेशली राजदीप सर देसाई, राजदीप गुप्ता सर को। और इस टूर्नामेंट में हमें दत्ता साहब ने बहुत मदद किया है। सर, आजकल की बात करें तो आजकल लोग इतने बिजी रहते हैं कि टाइम नहीं निकाल पाते कुछ मैच खेलने का, कोई भी एक्टिविटी हो तो उसके लिए क्या करें? एक्टिविटीज़ के लिए तो आपको थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा ही। पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आके ये पूरा लाइव शो दिखा रहे हैं। यहाँ पे रूट मोबाइल इंटर हॉस्पिटल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और यहाँ पे मुंबई के 16 हॉस्पिटल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और अच्छी तरह का ये नियोजन है। और रूट मोबाइल का थैंक यू, यहाँ का रूट मोबाइल के चेयरमैन राजू गुप्ता सर, इनका थैंक यू कि यहाँ पे उन्होंने ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। शुक्रगुजार हूँ हमारे राजू गुप्ता सर के और हमारे टूर्नामेंट को आगे बढ़ावा देने के लिए जो मेरे साथ में है दत्ता सर, उन्होंने बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया है, जो हमारे हॉस्पिटल लेवल के क्रिकेटर लोगों को एक ऊँचा क्रिकेट दिखाने के लिए इतनी बड़ी मेहनत की है, आज बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। हमारे काम में हम लोग हमेशा बिजी रहते हैं, उसमें से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाल के इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लाया है आज जो रूट मोबाइल कंपनी की तरफ से, तो शुक्रगुजार हूँ इस कंपनी का और हमारे 16 हॉस्पिटल के पूरा मैनेजमेंट्स की तरफ से इनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ये मिनिमम 16 दिन चलेगा, 16 दिन के बाद होगा। लोगों को तो मैं बोलूँगा आप आइए, हमको पार्टिसिपेट किए, लोगों ने एक क्रिकेट दिखना चाहिए, खेलना चाहिए, बढ़ावा देने के लिए हम लोग कोशिश कर ही रहे आपके लिए।
रूट मोबाइल कंपनी की तरफ से। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर परमेश्वर मुंडे है, मैं कस्तूरबा हॉस्पिटल से हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये, जो भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एक जो वर्कर्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो लोग एक साथ में आते हैं और खेल खेलते हैं, तो इससे भाईचारा बढ़ता है, बॉन्डिंग बढ़ता है, और एक कंपटीशन रहता है, तो लाइफ में भी कॉम्पिटिटिव रहते हैं हम लोग, डिसिप्लिन आता है गेम से, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये जो हम लोग कर रहे हैं। क्रिकेट खेलते हैं सालों साल होते हैं, 2-3 टूर्नामेंट्स खेलते हैं, किसी साल ज़्यादा भी होते हैं, तो इस साल रूट मोबाइल ने जो किया है, पहली दफ़ा इतना अच्छा ग्राउंड देख रहा हूँ मैं जो यहाँ पर आयोजित किया गया है, तो आई एम वेरी हैप्पी। लंच वगैरह भी बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि फ्यूचर में भी ऐसी चीज़ें काफ़ी रिपीटेटिव होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। रूट मोबाइल के लिए क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे जर्सी से लेके, खाने से लेके, ग्राउंड से लेकर के, ट्रॉफी से लेकर के, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो अप्रोच है, जिस हिसाब से हमसे बातें करी, अपने मैसेजेस कन्वे किए, तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ये, ऑर्गेनाइज बहुत अच्छी तरीके से किया है, तो मैं उनको शुभेच्छा दूंगा कि बार बार आए और हम खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करें। थैंक यू।